हियर मी? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी गजनफर, क्या हाल है? ठीक है. प्लीज कैन यू लेट मी नो कौन सा टॉपिक किया था लास्ट टाइम हमने? जी कोई बताएंगे कौन सा टॉपिक किया था लास्ट टाइम हमने? नहीं, इंडिफरेंस कर्व नहीं किया था अभी हमने? इंडिफरेंस कर्व तक कर लिया था? अच्छा जी, इंडिफरेंस कर्व कर लिया था हमने और बजट लाइन तक कर लिया था. अच्छा जी, आईसी की प्रॉपर्टीज कर ली थी. ठीक, चलें शुरू करते हैं. पहले फिर हम जी जाहिद, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा जी, ठीक है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यू से. आज जाके जो टॉपिक्स रह गए कोई मिसिंग होगा तो उसमें कवर हो जाएगा. विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन इंडिफ याद रखें, आईसी का ताल्लुक यूटिलिटी से होता है. आईसी का ताल्लुक प्राइसेस के साथ नहीं होता. Which of the following best defines
lower marginality and therefore total utility, lower marginality but may increase total utility. ये वो रिलेशनशिप जो मैंने पढ़ाया था आपको, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप था वो ये था। ऑप्शन इज डी, इफ अ कंज्यूमर मार्जिन एट अ सिचुएशन इक्वल टू एप्पल फॉर वन कैरेट, द कंज्यूमर इंडेक्स विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, कंज्यूमर इंडेक्स विल बी कन्वेक्स टू रीजन, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन एप्पल मस्ट बी वन ओवर टू ऑफ कैरेट, ऑल ऑफ द अबव। जी बताएं 38। करेक्ट ऑप्शन इज सी, और ये पता भी होना चाहिए कैसे, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। MRS कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो था चेंज इन y ओवर चेंज इन x, और चेंज इन y रेशियो चेंज इन x। अब वो कहता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS कितना है, टू एप्पल फॉर वन कैरेट, टू एप्पल वन कैरेट, कहता बताइए ऑप्शन क्या है। मार्जिनिटी ऑफ वन एप्पल मस्ट बी इक्वल टू हाफ कैरेट, देख लें अगर वन एप्पल देखना हो तो वन रेशियो कितना आएगा कैरेट, ये आएगा ना। क्यों जी, ये आएगा ना वन रेशियो वन और टू, बताइए। चले इफ ऑल prices remain constant and increase in income results in, kehta hai ki prices constant rahe to bataiye which one,
करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन स्लोप ऑफ द बेल्ट, नो, डिक्रीज इन स्लोप, नो, इंक्रीज इन इंटरसेप्ट बेल्ट लाइन, यस, सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब इसका भी आंसर आइडिया होना चाहिए कैसे। देखें बजट लाइन जो होती है, मामा जी, जो बजट लाइन का फॉर्मूला होता है वो होता है इनकम पी एक्स इंटू क्यू एक्स पी, यस, पी वाई क्यू वाई, दैट इन कार बेटा। नो यार, व्हाट टुडे, टुडे आई हैव टेकन बैक, यू नो, अरे बेटा कैन आई टीच, बजट लाइन की, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा इशू होता है, सॉरी, अच्छा डोंट फील प्लीज। पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, अब इसमें अगर वो कहता है कि सपोज इनकम इज 100, प्राइस इज 2, पी एक्स पी वाई इज 5, अब वो कहता है कि अगर प्राइसेस सेम रहे, इनकम डबल हो जाए, और अगर प्राइसेस कांस्टेंट रहे, इनकम डबल हो, आपकी जो बजट लाइन पहली वाली बजट लाइन है, अब अगर इनकम डबल हो रही है इसका मतलब ये है क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी ना, बताएं। इन्हें एक्स की भी डबल क्वांटिटी बाय होगी और वाई की भी डबल क्वांटिटी परचेज हो सकती है। यहां आ जाएगी, बड़ी लाइन यहां आएगी, अब अगर बजट लाइन यहां आ जाती है तो इंटरसेप्ट देखे चेंज हो गया। तो ये उसने पूछा था, अब प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन इनकम, सिर्फ इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, स्लोप चेंज होगी एक्स की, नो, डिक्रीज होगी स्लोप, नो, इंटरसेप्ट चेंज होगा, दिस इज ट्रैक, सिर्फ बजट लाइन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इंटरसेप्ट इसका, यस, बाय माय सेल्फ। पॉइंट क्लियर हुआ जी आप लोगों को, ये साथ साथ कैलकुलेशन से करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आइडिया हो जाए आपको जी। 40th बताएं जी, इंडिफरेंस कर्व फॉर द कंज्यूमर इज ऑलवेज, बताएं जी, कनकेव, स्ट्रेट, कन्वेक्स
और अपवर्ड स्लोपिंग। ये तो स्ट्रेट प्रॉपर्टी है, आईसी जो है वो जी बताएं, आईसी क्या होगा? कन्वेक्स टू रीजन, याद है आईसी की प्रॉपर्टीज? आईसी की प्रॉपर्टीज जो है ओके, शिफ्ट इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड व्हाट? बताइए, अगर प्राइस चेंज हो जाए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए, तो कंज्यूमर जाहिर ही बात है अपने नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाएगा। जब नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाएगा तो इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट, याद रख लें हमेशा। शिफ्ट इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट्स। ए करेक्ट ऑप्शन इज ए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई अलोंग एन ऑर्डिनरी इंडिफरेंस कर्व इज, ऑर्डिनरी इंडिफरेंस कर्व जो आपका अमूमी इंडिफरेंस कर्व होता है, उसकी जो लॉन्ग जो एम आर एस होता है वो क्या होता है? डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इसके लिए भी टेबल करते हैं हम, एक टेबल आपको याद होगा मैंने करवाया था आपको, एनी गो एंड स्टे विद बाय योर टा Why, what you want to do with me? I'm teaching you, you're just looking. Okay, you just fun class, you'll do. Yes. Okay. I wash. Combinations. Y, X, MRS, अगर आपको याद हो टेबल हमने बनाया था, फोर वन जी मंसूर कह रहे हैं कि हाफ स्क्रीन इज ब्लैक। जी तमीना, आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम है? बाकी लोग, कोई और किसी स्टूडेंट को इस तरह का प्रॉब्लम है? ओके तो अब देखें, आपका जो एम आर एस है ओके जी, अब देखिए क्या है, पहले फोर ओवर वन था, फोर थ्री ओवर वन थ्री एंड टू ओवर वन टू
क्या हो रहा है? MRS diminishing. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट नजर आती है फिर यहां इस अंडरस्टैंडिंग के बाद? बताइए इस अंडरस्टैंडिंग के बाद. डिमिनिशिंग. अब तो सबको आइडिया हो जाना चाहिए, मैंने करवा दिया वो. ओके जी, ओके. द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटीज दैट आर एक्चुअली परचेस्ड कैन बी परचेस्ड. Equate consumer expenditure to his money income. B and C. None of. बताइए जी. तमीना कह रही है सी. और अच्छा, ए करेक्ट आंसर इज डी. अब मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. ये लास्ट ऑप्शन इसकी एमसीक्यू था. देखें कहता आर एक्चुअली परचेज्ड. सर बजट लाइन तो बताती है कि वी कैन परचेज. आप जरा बजट लाइन की डेफिनेशन देखें ना. बजट लाइन में क्या था? Budget line shows various attainable combinations, combinations of two goods and services which can be purchased. तो जब हम can be का word use करते हैं तो actually purchased नहीं होता, can be purchased होता है. दूसरा equate consumer expenditure to his money income. देखें इक्वेशन देखें ना क्या है. ये इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर्स इसका मतलब मनी इनकम को
टोटल एक्सपेंडिचर्स के इक्वेट किया जाता है, इक्वल किया जाता है। मनी इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल किया जाएगा। जी बताइए, यहां तक समझ आ रही है? जीरो हो जाएगा, राइट? इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अल्टीमेटली टोटल इनकम के बराबर ही होगा ना। जी बताएं, नहीं ए फिफ्टी के जी बाय हो सकता है। राइट? इसका मतलब ये वी कैन परचेज, लेकिन अब आप बाय कितना करेंगे जी, 100 या 50 और दोनों को मिक्स करके? अगर सर ये तो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कोई पता नहीं कोई कितनी कौन सी चीज परचेज करे, ये नीड पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो बजट लाइन है वो तो पॉसिबिलिटीज बताती है कि क्या क्या परचेज हो सकता है, लेकिन कितना परचेज करेंगे आप ये तो फिर आप फैसला करेंगे। क्यों जी, अगर आप लोगों को याद हो तो बजट लाइन की हमने डायग्राम भी बनाई थी। ये है बजट लाइन, उसका ये सारा तो अटेनेबल है,
अब अटेन कितना करेंगे आप, ये अभी इससे डिसाइड नहीं होता। वॉट इट? तो यू कैन परचेज, वन कैन परचेज, चैलेंज। यहां तक समझ आ गई? ठीक बताइए, यहां तक कुछ समझ आ गई कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, चल अब चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, फॉर्म बिहेवियर। तो अब हमारा जो रिमेनिंग 1 आवर है, हमारे पास 40 मिनट्स हैं, जो भी, हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हम कवर कर सकें। बताएं जी, फॉर्म्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी? कौन बताएंगे स्टूडेंट्स? फॉर्म्स मेन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। यस करेक्ट। प्रॉफिट को डिनोट करते हैं पाई। पाई स्टैंड फॉर प्रॉफिट। तो पाई इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू की इक्वेशन होती है प्राइस सेल प्राइस माइनस सॉरी सेल प्राइस इनटू
सेल्स माइनस इसको यूं लिखते हैं पी इंटू क्यू अल्टीमेटली एब्रिवेशन में इसको यूं लिखते हैं दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसका यहां से भी पता चला सबसे पहले प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं आएगी तब तक कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है? बताइए, प्रोडक्शन के बगैर कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करते तब तक कॉस्ट और तब तक प्राइस और तब तक रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्यू क्यू मीन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। हम इसको यूं भी कह सकते हैं हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को क्यू इज नॉट बेटा वन ग्लास ऑफ वन यस फिनिश नो बेटा को नहीं हुआ फोर। हम इसको यूं कह सकते हैं इसका मतलब क्वांटिटी और आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मैंने आप लोगों को शुरू में फैक्टर तो प्रोडक्शन पढ़ाए थे ना, फैक्टर तो प्रोडक्शन बताया था मैंने आपको लेबर एंड कैपिटल। सर लेक्चर नंबर वन में मैंने बताया था फैक्टर प्रोडक्शन लेबर कैपिटल लैंड एंटरप्रेन्योरल्स। जी इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन।
आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन पीरियड जो है वो दो तरह के होते हैं. वन इज नोन एज शॉर्ट रन एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग रन. Short run and after lecture I'll give you, okay? You can play and write. This one will do not lecture. Yeah, one lecture just. इसमें एक है short run और एक है long run. Short run, long run को define कैसे करते हैं? They are writing. They are not writing. They are listening just. A time period. Okay, then you. In which. At least. One factor of production. How this. Remains fixed. इतना टाइम पीरियड हो जिसमें कम से कम एक फैक्टर फिक्स रहे, बाकी चाहे सारे चेंज हो जाएं. और लॉन्ग रन कहते हैं when none of the जी जी बताता हूँ निजामुद्दीन साहब, वेट तो कर ले, समझाता हूँ. अभी से लिखवा रहा हूँ ना मैं. वो कहता है कि अगर एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स रहे तो शॉर्ट रन, और कोई फिक्स ना रहे तो लॉन्ग रन. अब इसका मतलब क्या है कि कोई फिक्स रहे या ना रहे? जरा तवज्जो से बात सुनने और मुझे बताएं. निजामुद्दीन साहब आपने रिप्लाई करना है. ये बिल्डिंग है आपकी? वेरी भाई भाई गो गो. ये देखें, ये बिल्डिंग है आपकी. इस बिल्डिंग में लेबर भी होगी कि नहीं होगी? हो रही है? मशीन्स एंड मटेरियल भी होगा कि नहीं होगा? अब अगर आपको
अगर विद सिंगल, अगर विद सिंगल शिफ्ट आपकी जो प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स है, तो डबल शिफ्ट क्या होगा जी बताएं? डबल शिफ्ट करने से क्या होगा? और विद थर्ड शिफ्ट तो अब फोर्थ शिफ्ट लग सकती है, फोर्थ शिफ्ट लग सकती है सर। फोर्थ शिफ्ट लग सकती सर? आंसर इज नो। तो क्या प्रोडक्शन 3000 से ज्यादा हो सकती है? बताएं, क्या प्रोडक्शन 3000 से ज्यादा हो सकती है पर डे? आंसर इज नो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बिल्डिंग फिक्स है, लेबर भी चेंज कर ली, प्लांट मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं, मटेरियल भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपका एक फैक्टर ऐसा रह गया बिल्डिंग जिसको आप चेंज नहीं कर सके। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सर नई बिल्डिंग चेंज कर लें, नई बिल्डिंग बना लें, तो आप कहेंगे सर उसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैं कहता हूँ जितना मर्जी टाइम ले लो बताओ, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करो। तो आप कहेंगे ठीक है सर फिर टाइम ज्यादा दे दें। तो याद रखें लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि जब आप सारे फैक्टर चेंज कर दें, और शॉर्ट रन किसको कहते हैं कि सारे फैक्टर चेंज ना हो पाए। Now you got it? It means कौन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सम ऑफ द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं तो आप रिवॉर्ड्स भी देते हैं ना उनको। आप उन्हें रिवॉर्ड्स भी देते हैं।
ये क्या होते हैं जी? लैंड को रेंट पे होता है, लेबर को वेजेस होती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट होता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दरमियान में, इनको जो पेमेंट की जा रही है इसको सम कर लिया जाए तो इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। राइट। एक से होल्ड कीजिएगा प्लीज। बट एक सेकेंड। ये स्टूडेंट से एक से होल्ड किया प्लीज। फिक्स कॉस्ट एफ सी, वेरिएबल कॉस्ट वी सी, टोटल कॉस्ट टी सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी,
और मार्जिन कॉस्ट। ये अब आप लोगों ने अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही टॉपिक शुरू होते हैं सारे, क्योंकि एमसीक्यूज यहां से भी जनरेट हो सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज किए हैं उससे एक बात तो बड़ी वाजे सामने तौर पे सामने आई कि जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चैप्टर का उतनी ही अच्छे आसानी से एमसीक्यूज भी समझ आते हैं। वी डज नॉट चेंज विच चेंजेस एफ सी प्लस वी सी टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। इसे इकोनॉमिक्स में एक और भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, पर यूनिट चेंज इन टोटल कॉस्ट या इसको एक और लाइन में याद रखें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाए उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट भी कहते हैं इसको, इसको स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। इसके लिए हम स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने एज इट इज याद रखने हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग रन फंक्शन।
जी निजामुद्दीन सर, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट का मतलब देखें ना, आप फॉर्मूला देखें उसका, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला देखें क्या है। डेल्टा टीसी और डेल्टा क्यू है तो ये स्लोप भी कहलाती है ना किसी चीज की, डेल्टा। तो स्लोप तो डेल्टा को कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मैथ्स में डेरिवेटिव जो पढ़ाए जाते हैं मैथ्स में। ओके क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, के फिक्स होगा, जबकि लेबर में दोनों वेरिएबल होंगे। हमने क्या पढ़ा था कि कोई फैक्टर फिक्स होगा तो उसको हम फिक्स फैक्टर कहेंगे, तो याद रख लें आप सारे स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर के फिक्स होगा, जबकि लॉन्ग रन के अंदर कोई फैक्टर फिक्स नहीं होगा। ओके अब जरा आप लोगों ने, अच्छा जी निजामुद्दीन साहब कह रहे हैं कि हम कैपिटल को सी से क्यों नहीं करते। देखें इकोनॉमिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट भी आती है, कैपिटल भी आता है। तो अगर कॉस्ट को हम सी से डिनोट करते हैं और कैपिटल को भी हम सी से डिनोट करें तो क्या होगा फिर, ये तो मिक्स हो जाएगा ना। लोग पूछे सी स्टैंड फॉर व्हाट, इसलिए ये लेटर्स नहीं होते सर, याद रखें ये लेटर्स नहीं होते, ये सिंबल्स होते हैं, दीज आर सिंपल सिंबल्स। ओके जी, जैसे देखे ना लेबर भी एल तो लैंड भी एल, इसके लिए क्या करते हैं,
इकोनॉमिक्स में, एन फॉर लैंड और एल फॉर लेबर। तो याद रख लें आप सब लोग, ये लेटर्स नहीं होते, ये सिंबल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक, राइट जी। जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, अब आपने इसी पे चुके लेक्चर आज का खत्म होना है, तवज्जो सुनिएगा लास्ट टॉपिक आज का। मुझे बताएं डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? बताएं डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मुराद है? जी Division of work according to specialization, isn't? बोलिए। For example, जी बताइए गारमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जी? गारमेंट्स यूनिट में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? जी बताइए गारमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? कटिंग, स्टिचिंग, पैकेजिंग। बोलिए जी। यस यस लेबलिंग एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, नो डाउट। अकाउंटिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप काम को बांट देंगे तो बताइए क्या फायदा होगा इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बताएं। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीज एफिशिएंसी, ऐसे ही है। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के बगैर तो कोई काम नहीं आगे बढ़ता ना। तो जब आप काम को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। रिड्यूस वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने काम को डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ती है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जी प्रोडक्शन के? वो होते हैं टोटल प्रोडक्शन, टीपी, अब देखिए एमपी चेंज को कहते हैं जी निजामुद्दीन साहब, चेंज देखिए ना, आप जब लेबर ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन चेंज होगी ना आपकी। तो जब भी कोई लेबर ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा उसको हम मार्जिन बोलेंगे। ओके जी, टोटल में जब चेंज आता है आपके लेबर के चेंज, देखे ना जब आप एक वर्कर लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएंगे, चार लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट चेंज होगा कि नहीं होगा।
तो जो भी चेंज आएगा उस चेंज को इकोनॉमिक्स में मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके अभी करेंगे इसको मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हम जरा तवज्जो से बात सुन लें और आप लोगों ने मुझे साथ साथ रिप्लाई करना है। फर्ज करें लेबर कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। और फोर डिपार्टमेंट्स फिक्स हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। आप फोर कैप्टन आपका लेबर आप लगाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेबर आपके 6 है। जब आपने कोई लेबर नहीं लगाया तो फिर जाहिर प्रोडक्शन भी जीरो आएगी। बोले जब लेबर ही कोई नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन तो जीरो आएगी कि नहीं आएगी। अब आपने एक वर्कर लगाया और फर्ज कर लेते हैं उस ये गारमेंट्स यूनिट है फॉर एग्जांपल उसने 2 शर्ट्स बनाई, 2 शर्ट्स बनाई तो टोटल क्या होंगी? 2 ही होंगी ना। वो वर्कर क्या कर रहा है? कटिंग भी खुद ही कर रहा है। जी ये इसके 4 डिपार्टमेंट हैं, चारों में वो कटिंग भी खुद ही कर रहा है, स्टिचिंग फिनिशिंग और पैकिंग। फर्ज कर लें चारों डिपार्टमेंट खुद ही काम किए, उसने सिर्फ 2 शर्ट्स बनी तो टोटल क्या आएगी? 2 ही आएंगी ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब एक और वर्कर ऐड किया, जब एक और वर्कर ऐड किया तो उसके ऐड करने से क्या होता है? आपका जो वर्कर है वो डिवीजन ऑफ लेबर के तहत काम करता है, 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, काम को बांट के करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ये प्रोडक्शन 4 की बजाय फर्ज कर लें वो 6 हो जाती है, क्योंकि जब
अलग अलग काम करेंगे तो फिर तो चार ही बनने थे टोटल, लेकिन जब वो काम डिवाइड कर लेंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ गई, तो डबल से भी ज्यादा प्रोडक्शन हुई। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 4 का। अब अगर वो 3 वर्कर लगाए तो स्पीड तो और बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी और बढ़ेगी, तो जो प्रोडक्शन है वो, जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वो 6 हो गई। इसका मतलब 3 वर्कर मिलके 12 काम कर रहे हैं। और एक और वर्कर ऐड कर लेते हैं आप, टोटल प्रोडक्शन तो 20 पे चली जाएगी। इसका मतलब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ये नहीं कि ऐसा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा? कल जब आएंगे इंशाल्लाह, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होगा। ओके जी, क्यों अभी कराची वाले कहना शुरू कर देंगे टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी इंशाल्लाह। Thank you.